मॉर्निंग बच्चों, और आइए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये सीरीज में तीसरी क्लास है हमारी, और एक सर की मैथ आपने पढ़ी, एमपीएससी पढ़ी, अब इंग्लिश का वर्जन है। आप लोग इंग्लिश में आइए और पहला क्वेश्चन डायरेक्शन लोग पढ़ लेते हैं। द क्वेश्चन सम पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस हैव एरर, स्पॉटिंग एरर का सेक्शन है बच्चों। आइए लोग करते हैं फटाफट एरर्स को फाइंड आउट कर, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर वन आपके सामने है। वन आपके सामने है बच्चों, फटाफट बताइए। वी हैव बीन नोइंग ईच अदर सिंस वी वर चिल्ड्रन, हम एक दूसरे को जानते आ रहे हैं जब से, जब हम बच्चे थे, जब बचपन बच्चे थे तब से जानते आ रहे हैं, ठीक है ना बेटा। आइए तो इसको समझते हैं जरा हम लोग। वी हैव बीन नोइंग, तो आप सबको टाइम एंड टेंस का रूप तो मालूम ही है। अगर कहीं पे हैव बीन लगा हो तो वर्ब के आईएनजी फॉर्म आती है, क्या आता है बेटा, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, ठीक है ना। तो हैव बीन लगा हो तो आईएनजी फॉर्म आती है। अब ईच अदर आया हुआ है, वन एन अदर, ईच अदर हम लोग पढ़ाई हुआ है, वन एन अदर कहाँ लगता है, ईच अदर कहाँ लगता है, और उसका कोई मिस्टेक इधर है नहीं। सिंस वी वर चिल्ड्रन, जब से हम, जब हम बच्चे थे, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम की तरफ डिनोट करता है, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है ही है, बचपना बचपन से दिखा रहा है। ये यहाँ पे कोई एरर तो दिख नहीं रहा, फिर भी आप लोग जरा सा एक बार देख लीजिए कि एरर कहाँ पे है, तो फिर मैं आप सबकी हेल्प करता हूँ। फिलहाल आप लोग मेरी हेल्प करिए, बताइए हमको। बताइए प्यारे बच्चों, प्रॉब्लम कहाँ पे है। जय हिंद बेटा, आप सबको जय हिंद, फटाफट आंसर दीजिए। जय हिंद बेटा, सूर्यनाथ ए, बहुत बढ़िया। चलिए देखिएगा, आप सबको जब मैं टाइम एंड टेंस पढ़ा रहा था, या आप सबने टाइम एंड टेंस पढ़ा भी होगा बेटा, तो टाइम एंड टेंस सेक्शन में आपने कुछ ऐसी वर्ब पढ़ी है, मैंने नोट्स बनवाया हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी और प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में भी मैंने इस बात की चर्चा की थी। कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके साथ कभी भी आईएनजी फॉर्मेट नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है ना। जैसे नो है, जैसे रिमेंबर है, जैसे फॉरगेट है, लव है, होप है ना, ये ऐसे ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ आपको आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। जैसे आपने कहा लुक, आपने कहा सी, ये सारे ऐसे जो वर्ब्स हैं, ठीक है ना। अगर मैं कहूं कि आई एम नोइंग दिस, ये गलत बोल रहा हूं, आई एम रिमेंबरिंग, या आई वॉज रिमेंबरिंग, या मैं बोलूं यू आर लुकिंग स्मार्ट, ये सब जो लोग बोलते हैं ना, सबका सब गलत होता है, ग्रामेटिकली गलत होता है। अब लोग बोल जाते हैं क्योंकि कम्युनिकेशन में उतना कोई ध्यान नहीं देता। आपको बोलना चाहिए यू लुक स्मार्ट, ठीक है ना, हे लुक स्मार्ट, ऐसा कुछ बोलिए, आपको लुकिंग नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना। तो वैसे ही ये ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ में आपको आई एन जी नहीं लगाना चाहिए। ये नोइंग गलत लग गया है बेटा, वी हैव बीन नोइंग, तो ऐसा करो ना, वी हैव नोन कर दो, वी हैव नोन, हैव, हैज और हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया, हम एक दूसरे को जानते हैं, जानते रहे हैं, ईच अदर सिंस वी वर्चुअल, जब हम बच्चे थे तब से जान रहे हैं, ठीक है ना। इन सब वर्ड में आपको बस गलती पकड़नी होती है, सजेशन नहीं देना होता है, बस गलती पकड़नी होती है, एरर आपको देखना होता है, तो एरर किधर है, नो में आई एन जी आपने गलत लगा रखा। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर टू पे, और फटाफट बताओ। नाइदर ऑफ द टीम्स आर सेंसिबल इनफ टू डू दिस टास्क, बताएं इस क्वेश्चन को आप लोग करें। आइए चैट बॉक्स में, जय हिंद बेटा विकास, अभिजीत तिवारी, जय हिंद शैलेंद्र कुमार, हाँ बताएं बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर दिया आप लोगों ने। आइए देखते हैं इसको हम लोग। नाइदर ऑफ द टीम्स, आप सबको मालूम है कि आइदर, आइदर और नाइदर, आइदर और नाइदर दो के लिए आता है, एनी और नन दो से ज्यादा के लिए, मोर देन टू, प्लस टू बोलते हैं। और जब कभी भी इनका यूज हो, आप ध्यान दीजिएगा, जब किसी सेंटेंस की स्टार्ट हम आइदर से, नाइदर से, एनी से या नन से करते हो, ईच या एवरी से करते हो,
उस सेंटेंस की जो वर्ब होगी वो हमेशा सिंगुलर होगी। क्या होगी? सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए, क्योंकि तो किसी एक की बात कर रहा है ना। नाइदर ऑफ द टीम्स, मतलब दोनों टीमों में से कोई भी एक भी नहीं, मतलब किसी एक की चर्चा कर रहा है वो या नहीं कर रहा है, तो आपको सिंगुलर फॉर्मेट की वर्ब ऑफर करनी होती है। तो आपको यहां आर ना लगा के यहां पे लगाना है आपको इज। नाइदर ऑफ द टीम्स इज सेंसिबल इनफ टू डू दिस टास्क। दोनों टीमों में से कोई भी टीम ऐसी नहीं है, इतनी सेंसिबल नहीं है इस टास्क को अच्छे से परफॉर्म कर सके। कर लिया बेटा? चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 पे। फटाफट आप लोग देखिएगा और आंसर बताइएगा। इफ आई वॉज ही आई वुडंट एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और आप सब जरा उस चैप्टर को याद कर लो जब आप लोग को मैं पढ़ा रहा था कंडीशनल सेंटेंस, और मैंने आपको कल्पना करना बताया था कि अगर वह राजा होता, अगर वह रानी होती, अगर मैं देश का प्राइम मिनिस्टर होता, ये जो इमेजिनेशंस होती हैं उनके साथ हम किस तरह की वर्ब इस्तेमाल करते हैं। फटाफट, बहुत बढ़िया बेटा शैलेंद्र कुमार। हाँ बहुत बढ़िया, हाँ ग्रेट जॉब अंजय, अनंजय बहुत बढ़िया, गुड। तो इफ आई, ये वॉज हटा के हमें क्या कर देना है? हमें यहां वर कर देना है और आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है बेटा? इफ आई वर ही, यदि मैं उसकी जगह पर होता, इफ आई वर ही, ठीक है ना? आप देखो यहीं पर आप लोग सीख लो, कभी कभी ये जो वाज का वर मैंने अभी किया ना, एग्जामिनर वर करके देगा आपको इफ आई वर, लेकिन इधर ही का हिम कर देगा, तो आप उसके इस जाल में फंस मत जाइएगा। ठीक है ना? आपको इस स्ट्रक्चर में सब्जेक्टिव केस लगानी होती है, प्रोनाउन की सब्जेक्टिव केस, मतलब ही सी दे यही लगाना होता है आपको, देम नहीं लगाना होता। ठीक है ना? आपको हिम नहीं लगाना होता। ये भी रूल तुरंत नोट कर लीजिएगा अपने अपने नोट्स में, इन फ्यूचर आपको पक्का है किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम बनाता है। अगर वो वर करके देता है तो इधर का जो केस है वो पलट देता है, केस का ध्यान दीजिएगा आप लोग। इफ आई वर ही, क्लियर? चल, आई वुडंट एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट, यदि मैं उसकी जगह पर होता तो ये प्रोजेक्ट स्वीकार ना करता। अब एक दूसरी कॉन्सेप्ट आप सीख रहे बच्चों, कि अगर इधर वॉज या वर लगा है तो इधर पे वुड ही होता है। ठीक है ना? कभी विल नहीं कर दीजिएगा, एग्जामिनर के पास ये भी ऑप्शन है। इफ आई वर ही, ये पूरा का पूरा सही देगा, आपको यहां फंसाएगा वो। इफ आई वर ही, इफ आई वर ही आई विल लिखेगा वो, आई सेल लिखेगा, आपको तुरंत काट देना है कि विल सेल नहीं, हमको वुड लगाना है। यहां तो फिलहाल वुड लगा हुआ है, बिल्कुल सही है। ठीक है ना? करेक्शन आपने क्या किया बेटा? आपने वाज का वर कर दिया। चलिए ये बना लिया क्वेश्चन हमने, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और वो है ब्लैंक्स। अब आपको फिर ब्लैंक्स से क्वेश्चन करने हैं। आइए तो फटाफट हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, आप लोग देखिएगा और बताइए। आप लोग जो बताएंगे वही आंसर होगा भाई, ठीक है ना? आप लोग जो बोल दोगे वो मैं आंसर मान लूंगा। फटाफट बताइए। द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज एज एंड एम्प्लॉयज वेरी हाईली पेड टेक्नोक्रेट्स। द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, देखो ये जो इंफॉर्मेशन है मतलब सूचना, और ये कम्युनिकेशन का मतलब दूर संचार, और टेक्नोलॉजी को हम हिंदी में कहते हैं प्रौद्योगिकी। ठीक है ना? हैज एज एंड एम्प्लॉयज वेरी हाईली पेड टेक्नोक्रेट्स। वो एज, अब समझ नहीं आ रहा एज क्यों दे दिया। हैज एज एंड एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय का मतलब होता है नौकरी देना किसी को। वेरी हाईली पेड, बहुत ज्यादा सैलरी पर काम करने वाले टेक्नोक्रेट्स, मतलब ऐसे लोग जो टेक्निकली क्वालिफाइड है। आप सब जानते होंगे आईआईटी के जो ग्रेजुएट्स ग्रेजुएट्स होते हैं ना, इंजीनियर्स, वो उनको गूगल या फेसबुक या तमाम बड़ी जो आईटी कंपनीज हैं उनको रखती हैं बहुत हाई सैलरी पे। ये कौन सा कम ऑफ लगा दें कि कम अपॉन लगा दें, कम आउट ऑफ लगा दें, कम थ्रो लगा दें, ठीक है ना? ये चार ऑप्शन आपको दे दिए। मैं अक्सर बोलता हूँ बेटा न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट आपकी काम आने वाली है, अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो ये सब चीजें अक्सर आती रहती। कम थ्रो का मतलब होता है से गुजरना, ठीक है ना, सफलतापूर्वक। जैसे मान लो किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को ओवरकम करता है, उस प्रॉब्लम से निकल जाता है, तो ही कम्स थ्रो दैट प्रॉब्लम। पकड़ में आ रहा है?
कम अपॉन के ऊपर आना, जैसे आई विल कम अपॉन दिस टॉपिक, वो एंगल है, कम आउट ऑफ से बाहर निकलना, और कम ऑफ, अगर मैं यहां पे कम ऑफ एज लगा दूं तो एक तरह का ये फ्रेज होता है, ठीक है ना, कम ऑफ एज एक फ्रेज है, आप उसको समझ लीजिएगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज कम ऑफ एज, जो आईटी की जो टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, वो अब इस समय अपने सबाब पर है, अपने टॉप पर है, वो बहुत बेहतर स्थिति में है, तो कम ऑफ एज एक फ्रेज होता है, आपको रट्टा मारना होगा बेटा, कम ऑफ एज का मतलब बिल्कुल टॉप पर होना, तो जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो कम ऑफ एज अपनी एज अपने बहुत टॉप पर है, एंड एम्प्लॉयज वेरी हाईली पेड टेक्नोक्रेट्स और बहुत हाई पे स्केल पर टेक्नीशियंस को जॉब देते हैं, ठीक है बच्चों, बाकी सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे और फटाफट से सॉल्व करते हैं, आइए बताइएगा हमको क्या करना है इसका। दे रीच द रेलवे स्टेशन बिफोर द ट्रेन हैड लेफ्ट, हैड बीन लेफ्ट, लेफ्ट वॉज लिविंग, अब आप लोग जो बोलोगे वही आंसर हो जाएगा, फटाफट बताइएगा, देखिएगा, दे रीच द रेलवे स्टेशन बिफोर द ट्रेन लेफ्ट, वो रेलवे स्टेशन पहुंचे बिफोर द ट्रेन लेफ्ट, ट्रेन जाने के पहले, ठीक है ना, यहां पे दोनों अवस्थाएं बराबर है, मतलब ट्रेन अभी गई नहीं है, वो स्टेशन पहुंच चुके हैं, ठीक है, और मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था बच्चों, याद आ रहा होगा पीबीआई का स्ट्रक्चर, ठीक है ना, परफेक्ट बिफोर एंड डेफिनेट पीबीआई, लेकिन देखिएगा आप लोग बिफोर के पहले यहां पर इनडेफिनिट है, ठीक है ना, अगर बिफोर के पहले इनडेफिनिट है तो दोनों साइड में इनडेफिनिट, आई बी आई नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, देयर इज द रेलवे स्टेशन बिफोर द ट्रेन लेफ्ट, आपको सी ऑप्शन करना है, क्या रूल है बेटा याद कर लो आप लोग हमेशा के लिए, पी बी आई का रूल, मैंने क्लास में डिस्कस किया था पी बी आई, अगर बिफोर दिया हुआ हो तो पहले परफेक्ट बाद में इंडेफिनिट, देखना यहां पे बिफोर दिया हुआ है तो पहले परफेक्ट है क्या, हेड लगा है नहीं लगा है, इंडेफिनिट है ना, ये अब ये नया रूल जान लो आप लोग, बिल्कुल याद कर लेना, ट्रिक याद कर लेना, अगर बिफोर के पहले इंडेफिनिट हो तो फिर बाद में भी इंडेफिनिट ही होता है, तो आई बी आई कर लो आप लोग, दे रीच द रेलवे स्टेशन बिफोर द ट्रेन लेफ्ट, सी आपका ऑप्शन है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, आइए, he slipped his old ways and started drinking again, he slipped his old ways and started, he slipped into off by in, चलिए चार पे पोजीशन है, फटाफट बताइए क्या कर दिया जाए, फटाफट बताइएगा क्या करें, he slipped his old ways and started drinking again, देख लो ऑलवेज एंड स्टार्टेड ड्रिंकिंग, फिर से स्टार्ट माने फिर से ना, ड्रिंकिंग अगेन माने पीने लगा, फिर से पीने लगा मतलब अपनी आदतों में फिर से चला गया है ना, बाद में मतलब वो पहले छोड़ चुका था, बाद में उसने पीना फिर से स्टार्ट कर दिया, ओल्ड वेज अपनी पुरानी आदतें पुराने तरीके, ये स्लिप्ड, तो आप देखें स्लिप इन टू करें, स्लिप ऑफ करें, स्लिप बाई करें, स्लिप इन करें, जब हम किसी आदत में फिर से पड़ जाएंगे तो हमें यहां पे इनटू लगाना चाहिए, ही स्लिप्ड इनटू हिज ओल्ड वेज, वो फिर से अपनी पुरानी आदतों में पड़ गया, ठीक है ना, यहां पे ऑफ या इन या बाय बिल्कुल गलत है, नहीं लगाना आपको, अब आपके मन में आ रहा होगा सर इन क्यों ना लगा दे, इन और इनटू का डिफरेंस तो आप सबको मैंने बताया हुआ है बेटा, इन जो होता है वो सामान्य अवस्था होती है, इनटू का मतलब अवस्था में परिवर्तन, चेंज ऑफ कंडीशन होनी चाहिए, जैसे ही जम्प इन टू द वेल तो क्या हुआ, वो सूखे में था गेले में चला गया, वो ऊपर था नीचे चला गया, ठीक है ना, जब कभी अवस्था में परिवर्तन होता है तभी हम इन टू लगाते हैं, वहां वो पहले नहीं पीता था अब पीने लगा है, माने उसकी जो कंडीशन है वो बदली है, सिचुएशन बदली है, तो आपने इन टू लगा दिया, चलो भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाओ आप लोग 7 पे, आइए करते हैं इसको हम लोग, यहां से अब हमको करना है,
मीनिंग मेरे ख्याल से सिनोनिम से, हाँ राइट, वी आर नाउ इन सिनोनिम्स। अब आपको सिनोनिम्स करने हैं, आप लोग गूगल भी कर लीजिएगा, टाइम ले लीजिए अपना। सिनोनिम करना है आपको स्टर्न, स्टर्न का बताइए क्या करना है, फटाफट बताइए। फटाफट बताइएगा। चलिए, स्टर्न का मतलब होता है बेटा कड़ा। जैसे सरकार ने कहा कि हम कुछ कड़े कदम उठाएंगे, मान लीजिए आतंकवादियों के खिलाफ कुछ कड़े कदम उठाने हैं, तो रक्षा मंत्री ने या गृह मंत्री ने कहा कि वी विल टेक सम स्टर्न स्टेप्स, कुछ कड़े कदम उठाएंगे। स्टर्न का मतलब होता है कड़क। अब जरा यहां ऑप्शन में आ जाओ आप, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, लेनियन का मतलब होता है थोड़ा झुका हुआ, थोड़ा सा उतना स्ट्रिक्ट नहीं। यंग का मतलब नौजवान है, इस टाइम आप सबको मालूम है तना होता है स्ट्रिक्ट, ये है आपका आंसर, क्योंकि तो स्टर्न कड़ा है, स्ट्रिक्ट भी कड़क होता है, कड़ा होता है। कल हमने परसों इसको वर्ड को डिस्कस भी किया था। स्टर्न का क्या होगा बेटा, आपको लगाना है स्ट्रिक्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, और इसको आप लोग बताएंगे सिटाडल, बताइएगा क्या करना है इसका, फटाफट बताइए। सिटाडल का मतलब होता है बेटा किला, ठीक है ना, क्या होता है किला। तो आप सबको मालूम है कि फोर्ट्रेस का मतलब किला है, या आपका आंसर हो गया। मेट्रोपोलिस का मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटीज को आप मेट्रोपोलिस बोलते हो। मैंसन का मतलब बंगला जैसा घर होता है, पैलेस बंगला होता है, तो सब क्लियर है आपको, फोर्ट्रेस आपका आंसर है। आइए अब हम चलते हैं अपोजिट, आपको अपोजिट मतलब एंटोनिम्स करना है और करते हैं। आइए, डोरमेंट, एक्टिव इनएक्टिव, डोर्सल डोमेस्टिक, बताएं फटाफट आप लोग। डोरमेंट का क्या होगा, तो डोरमेंट का मतलब होता है सुसुप्त, सोया हुआ, जो बिल्कुल शांत है, एनर्जीलेस है। अब इसका अपोजिट आपको करना है, तो एक्टिव का मतलब बिल्कुल ऊर्जावान, चुस्त दुरुस्त। इनएक्टिव का मतलब है, इनएक्टिव का आप सब जानते हैं मीनिंग क्या होता है, बिल्कुल सुस्त। वो डोरमेंट का सिनोनिम हो जाएगा डोर्सल सुस्त। डोमेस्टिक का मतलब घरेलू है, इनका कोई लेना देना इससे है ही नहीं, आपका आंसर है ये एक्टिव। डोरमेंट सुसुप्त है, एक्टिव बिल्कुल ऊर्जावान, फुर्तीला। चलिए कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका ड्विंडल, ड्विंडल का मतलब बताएं आप लोग, अपोजिट करना है आपको। ड्विंडल का मतलब होता है किसी चीज का लड़खड़ाना या नीचे आना, कम होना, लड़खड़ाकर गिर जाना, कम होना, ड्विंडल होता है। तो डिक्रीज भी कम होना है, डिमनेस भी कम होना है, इंक्रीज बढ़ना है। श्रिंक का मतलब सिकुड़ना या कम होना है। ये ड्विंडल के ये तीन के तीनों क्या है, सिनोनिम्स हो गए। आपको एंटोनिम्स मतलब अपोजिट चाहिए, ये तीनों को काट के बाहर करिए आप, आपका आंसर है इंक्रीज। ड्विंडल का मतलब कम होना, इंक्रीज का मतलब बढ़ जाना। क्लियर बच्चों, ये सारे वर्ड नोट कर लेना आप लोग। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट वन पे, फोर्थ इडियम्स एंड फ्रेज सेक्शन है आपका, दो क्वेश्चन है आपके। अक्वायरिंग अ जॉब इज अ केक वॉक फॉर स्टूडेंट्स हु हैज गुड एकेडमिक परफॉर्मेंस कपल विद गुड एटीट्यूड। यहाँ पे ईडी होना चाहिए था बेटा, थोड़ा सा टाइपिंग का इरर हो जाता है कभी कभी। कपल्ड विद गुड एटीट्यूड, अक्वायरिंग अ जॉब, अक्वायर मतलब प्राप्त करना मालूम है आपको, अक्वायर अ जॉब इज अ केक वॉक फॉर स्टूडेंट, बच्चों के लिए केक वॉक है। हु हैज गुड एकेडमिक परफॉर्मेंस, जिनका एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, कपल्ड विद गुड एटीट्यूड, अगर उनके साथ, कपल्ड का मतलब होता है साथ साथ, गुड एटीट्यूड अगर उनका एटीट्यूड भी अच्छा है। क्लियर है, चलिए। आप लोग सोच रहे हो कपल का मतलब तो जोड़ा होता है ना, थोड़ा सा अपना लेवल ऊपर करिएगा। अगर ये नाउन है तो जोड़ा है, जब ये वर्ब बनता है तो साथ साथ हो जाता है, साथ में, ठीक है ना, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ईडी लगा है इसीलिए। तो विद गुड एटीट्यूड, अब आपके सामने ऑप्शन है। अब ये अ केक वॉक,
चार ऑप्शन दिए हैं, बताना है आपको मीनिंग कौन सा। अब किसी के पास अगर अच्छी एकेडमिक है, परफॉर्मेंस और साथ साथ उसका एटीट्यूड भी अच्छा है, तो नौकरी पाना उसके लिए बड़ा केक वॉक है, बिल्कुल आसान होगा। देखिए ऑप्शन में देखिए क्या है, वॉक अवे विथ अ केक, डिफिकल्ट अचीवमेंट, वॉक अवे मेड विथ केक्स एंड इजी अचीवमेंट, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है। फटाफट आंसर गेस करिए आप लोग। फटाफट आंसर गेस करिए बच्चों, बहुत बढ़िया। आइए, हाँ डी आपका आंसर, बहुत बढ़िया बच्चों, आप डी आपका आंसर है, आपका आंसर डी है, एन इजी अचीवमेंट, बहुत आसान सी अचीवमेंट, ठीक है ना, कर लिया बेटा सबने। वॉक अवे विथ केक, केक के साथ चले जाना, कितना हास्यास्पद है भाई। जो इडियम्स होते हैं, फ्रेजेस जो होते हैं, वो लिटरल नहीं होते, शब्द सा हम उसका अर्थ नहीं निकाल सकते। और डिफिकल्ट अचीवमेंट, एक मुश्किल अचीवमेंट, अब वॉक अवे मेड विथ केक्स, एक ऐसा वॉक अवे जिसमें केक्स हो, बकवास है सबका। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए आप लोग और करिए। लेट स्लीपिंग डॉग डॉग्स लाई, डू नॉट ब्रिंग अप एन ओल्ड कॉन्ट्रोवर्शियल इशू, डॉग्स कैन रेज टेम्पर्स, डू नॉट अलाउ डॉग्स टू स्टैंड, प्रिवेंट डॉग्स मोबिलिटी। बिल्कुल आसान बच्चों वाला है, बिल्कुल आसान सा खेल है ये, आप लोग कर सकते। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, आपने कभी कभी ऐसा कुछ पढ़ा होगा, कुछ नीति वाक्य होते हैं, चाणक्य की नीति है कि अगर एक छोटा बच्चा सो रहा हो, कुत्ता सो रहा हो, सांप सो रहा हो या राजा सो रहा हो, इनको सोते रहने देना चाहिए, इनको जगाना नहीं चाहिए। आप छोटे बच्चे को जगाओगे तो वो आपको परेशान करेगा। राजा नींद में है, नींद टूटेगी, अगर उसका नींद आपने तोड़ दिया तो हो सकता है आपको दंडित कर दे। सांप या बिच्छू या कुत्ता है, सो रहा है तो आप सेफ है, अगर जग गया तो आपको काट सकता है। एक कहावतें तो हिंदी में आपने पढ़ी, तो वही इंग्लिश वर्जन उसका, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, अगर कुत्ता सो रहा है तो उसको लेटे रहने दीजिए। अब जरा बताएं आप लोग कि हम क्या करते हैं। तो यहां सिर्फ कुत्ते सोने की बात की जाएगी, कहावत में सिर्फ कुत्ते की बात होगी। डॉग्स कैन रेज टेम्पर्स, कुत्ते अपना गुस्सा दिखा सकते हैं, रेज टेम्पर गुस्सा होना। डू नॉट अलाउ डॉग्स टू स्टैंड, कुत्तों को खड़े मत होने दीजिए, बिल्कुल हास्यास्पद है ये। प्रिवेंट डॉग्स मोबिलिटी, कुत्तों का चलना फिरना रोक दीजिए आप, आसपास आपकी उनकी मोबिलिटी नहीं होनी चाहिए। ये तीन के तीनों लिटरल बकवास है, ठीक है ना। डू नॉट ब्रिंग अप एन ओल्ड कॉन्ट्रोवर्शियल इशू, डू नॉट ब्रिंग अप, सामने मत लाइए एन ओल्ड कॉन्ट्रोवर्शियल इशू, कोई पुराना विवादास्पद बयान, कोई मुद्दा जिन मुद्दों पर पहले भी हम लड़ चुके हैं, उन पर विवाद हो चुका है, उनको बार बार सामने लाने का मतलब है अपने आप को डिस्टर्ब करना, अगले को भी डिस्टर्ब करना। पकड़ में आ रहा बच्चों आप? तो आपको ये ए आपका आंसर है और आप सबने किया भी होगा। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ मींस, स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है भाई? भूसे का तिनका, घास का तिनका, मैन ऑफ स्ट्रॉ। अब इसका मतलब क्या होता है? वर्दी फैलो, एक योग्य आदमी, एन अनरीजनेबल पर्सन, एक ऐसा आदमी जो कि बहुत ही मूर्ख टाइप का है। अ मैन ऑफ नो सबस्टेंस, एक ऐसा आदमी जिसका कोई वैल्यू नहीं है। अ वेरी एक्टिव पर्सन, एक बहुत एक्टिव पर्सन। बताएं आप लोग क्या कर दें हम लोग? तो अ वर्दी फैलो, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, एक स्ट्रॉ का मैंने बोला ना, घास फूस का बराबर, एक ऐसा आदमी जो घास के बराबर हो, घास जैसा हो। जरा बताना, अवर्दी फैलो, वो योग्य आदमी तो नहीं हो सकता ना, वो अगर उसकी कीमत घास जैसी है, ठीक है ना, तो ये तो नहीं हो सकता वो। अनरिजनेबल पर्सन, एक ऐसा आदमी जो मूर्ख हो, चलेगा भाई, लेकिन ये नहीं है। अ वेरी एक्टिव पर्सन, बहुत एक्टिव है, तो घास जैसा मैं तो उसका कहा होगा। आप जरा आइए सी पर, अ मैन ऑफ नो सबस्टेंस, एक ऐसा आदमी जिसके अंदर कोई तत्व ही नहीं, इसलिए लोग उसको महत्व तो नहीं देते, लोग कहते हैं घास तिनके जैसा है। उसकी आपका आंसर है बेटा, आप लोग आसानी से कर पा रहे होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, 14 16 पे। क्या है, इन दीस क्वेश्चंस आउट ऑफ द फोर चूज द वन व्हिच कैन सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स। ये जो आ रहे हैं आपको सब्स्टिट्यूशन निकालना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया बेटा, ठीक है। टू रिड्यूस टू नथिंग, टू रिड्यूस टू नथिंग, बताएं आप लोग। फटाफट बताइए आप लोग,
आप लोग फटाफट आंसर दीजिए इसका भाई। फटाफट बताइए। टू रिड्यूस टू नथिंग, किसी चीज को बिल्कुल खत्म कर देना। तो क्वेश्चन बढ़िया है आप लोग, मैं चाहता हूं गूगल भी कर लें आप लोग, बैठे बैठे अपने मोबाइल पे गूगल कर लीजिए, जरा आंसर गेस करिए आप लोग, मुझे बताइए क्या होना चाहिए। बहुत बढ़िया बच्चों, हाँ टू रिड्यूस नथिंग। देखिए ये जो सी यू एल एल कल होता है, इसको नोट करिएगा आप लोग, आपने वो बीमारी सुनी होगी, वो क्या बोलते हैं उसे, बर्ड्स में जो आया था बर्ड्स फ्लू करके बीमारी आई थी। तो मान लीजिए किसी ने मुर्गी पालन किया हुआ है, तो 1000 मुर्गियां हैं, 1000 में 10 को बीमारी, बर्ड फ्लू नाम की बीमारी 10 मुर्गियों को, और उसके पास 1000 मुर्गियां हैं। अब अगर वो 10 मुर्गियां उन 990 मुर्गियों के साथ रहेंगी तो वो भी बीमार हो जाएंगी, पक्का है। तो आदमी क्या करता है, उन 10 मुर्गियों को वहां से निकालता है, सरकार का आदेश होता है ऐसा, वो 10 को निकाल कर, मतलब 1000 का चेकअप होगा, 10 जो बीमार हैं उनको निकाल कर उनको मार डाला जाता है, और उनको किसी भी तरीके से खत्म करके जमीन के अंदर गाड़ देते हैं, जिससे कि वो फर्दर ये बीमारी फैलने ना पाए, या जो बची हुई 990 है वो बीमार ना होने। इस प्रक्रिया को हम कलिंग कहते हैं, ये न्यूज़पेपर से मैंने सीखा था, आप भी सीख जाओगे, इसे कलिंग कहा जाता है, ठीक है बेटा। अब एल यू एल एल, कोई भी माँ अपने बच्चे को, छोटे बच्चों को लोरी गा के सुनाती है ना, लल भी सुना होगा आपने, तो निहायत ही प्यारे बच्चों, अब लोरी सुनाएगी तो लोरी तो बच्चों को शांत कर देती होगी ना, तो लल का मतलब होता है शांत, इसका कोई लेना देना नहीं इससे। एनल का मतलब होता है खत्म करना कानूनी रूप से, ठीक है ना, कोई भी कानून है या कोई भी गलत चीज हो रही है उसके खिलाफ हम कानून बना के खत्म कर रहे हैं, उससे हम एनल कर रहे हैं। ये जो नल होता है, नल एंड वाइड सुना होगा, नल का मतलब होता है टू रिड्यूस टू नथिंग, इस चीज को हम बिल्कुल खत्म कर दें। मेरे ख्याल से ये वर्ड आपको याद हो गए होंगे। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं और करते हैं। वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन अ टॉम, इपिलॉग, इपिटाफ, इपिटोम, बताएं आप फटाफट, मुझे हेल्प करिए। चलो भाई, किसी टॉम पर, टॉम क्या होता है भाई, तो मुस्लिमों में वो बनाते हैं ना, मरने पर जो बना देते हैं मुस्लिम टाइप का, अब हिंदी मुझे याद नहीं आ रही है क्या बोलते हैं उसे, मकबर, कोई भी मुस्लिम बादशाह जब मरता था तो उसका मकबरा बनता, तो मकबरे पर उसकी याद में कुछ लाइंस लिखी जाती है। ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है बच्चों, तो उस जो लिखा जाता ना, इंस्क्राइब मतलब लिखना, वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन अ टॉम, तो उस टॉम मतलब मकबरे पर जो लिखा जाता था उसको क्या बोलते थे, आप लोग आई चैट बॉक्स में आंसर दीजिए फटाफट, बताइए क्या करते, क्या बोलते, कौन सा आंसर होगा। चलिए काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है, बच्चों बी आपका आंसर है इपिटाफ। इपिटाफ का मतलब होता है जो कुछ चीजें लिखी जाती है ना टॉम, तो उसे हम इपिटाफ कहते हैं। इपिलॉग का मतलब होता है किसी चीज का एंड, कोई लिटरेरी पीस लिखी जाती है ना उसके एंड को हम इपिलॉग कहते हैं। एपिटोम का मतलब होता है टू यूनाइट एनीथिंग, टू यूनाइट मेनी थिंग्स इनटू वन, ढेर सारी चीजों को इकट्ठा करना एक में, जैसे लॉर्ड राम वॉज एपिटोम ऑफ ऑल वर्चूज, भगवान राम के अंदर दुनिया की सारी वर्चूज थी, उनको लोग मर्यादा पुरुषोत्तम कहते थे, इंग्लिश में कैसे बोलते हैं एपिटोम ऑफ ऑल वर्चूज लॉर्ड राम, तो एपिटोम का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है ना, ये तो इससे लिटरेचर से जुड़ा हुआ है। तो हमने आंसर क्या निकाल लिया बेटा, इपिटाफ है आपका आंसर, फटाफट हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्टडी ऑफ साउंड्स इज नोन एज, ये जो हम लोग साउंड की स्टडी करते हैं उसे क्या बोलते हैं, साउंड,
खास करके जब आप इंग्लिश आपने पढ़ना शुरू किया होगा तो आपको एक दो बार टीचर्स ने टोका होगा कि बेटा इस वर्ड को ऐसे बोलते हैं, जैसे आप विटामिन कहते हो, कोई वाइटमिन कहता है, कोई विटामिन कह देता है, कोई एजुकेशन कहता है, कोई एडुकेशन कहता है, अमेरिकन एडुकेशन कहते हैं, कोई सिचुएशन कह रहा है, कोई सिचुएशन कह रहा है, ये ढेर सारे डिफरेंसेस होते हैं, कोई फोटोग्राफर कहता है, कोई फोटोग्राफर कह देता है। ये जो साउंड का स्टडी है, जो साउंड हम पढ़ते हैं लैंग्वेज में, उस साउंड को फोनेटिक्स कहते हैं। तो हमको कैसे याद होगा भाई, ये जरा बताना, ये जो फोन है ना, मोबाइल फोन, आपने फोन क्यों बोला, या टेलीफोन आपने फोन क्यों बोला, तो फोन से रिश्ता जोड़िएगा आप, फोन में एक साउंड आती है और उसी साउंड से हम कहते हैं ना, बातचीत हमारी हो जाती है। अब साउंड को हम लैंग्वेज कहते हैं, तो लैंग्वेज इज ऑल अबाउट साउंड वी क्रिएट, जो साउंड हम क्रिएट करते हैं उसी को भाषा कहते हैं। तो साउंड की स्टडी करनी है तो भाई फोनेटिक्स कर दिया, बाकी सब आप समझ रहे हो, लिंग्विस्टिक्स मतलब भाषा, सिमेंटिक्स का मतलब भाषा के वर्ड्स को तोड़ के पढ़ना, और स्टाइलिस का मतलब होता है जो सजाते संवारते लोगों को है। चलो हमने कर लिया है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, 16 to 20। इन दीज क्वेश्चंस यू हैव अ पैसेज विद 4 क्वेश्चंस, पैसेज आ गई आपके सामने, और जैसा मैं आपको पहले बोल चुका हूँ बच्चों कि कभी भी पैसेज को पहले नहीं पढ़ना चाहिए, हमको पहले क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। 17, 18, 19, 20 4 क्वेश्चन आपके सामने है, आपको क्वेश्चन पहले पढ़ लेना है बेटा, उसके बाद आपको आंसर की बात करनी, तब हम पैसेज पढ़ के आंसर निकालें। व्हाट डज द एडियम फिश आउट ऑफ वाटर सजेस्ट, एडियम, अब पैसेज में कोई एडियम आया होगा, फिश आउट ऑफ वाटर, फिश आउट ऑफ वाटर, एक मछली जो पानी के बिना हो, पानी के बाहर हो, तो कैसी हालत उसकी होगी, आपको उसका मीनिंग बताना है। तो एंड इन अनफैमिलियर सराउंडिंग, एक ऐसे सराउंडिंग या वातावरण में होना जो हम परिचित नहीं है, कैन डाई एनी मोमेंट, किसी भी क्षण हम मर सकते हैं, ग्रैस्पिंग फॉर ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हम सांस के लिए तड़प रहे हैं, और एम्फीबियस क्रिएचर, एक ऐसा जानवर जो एम्फीबियस है, मतलब दोनों जल में और थल, मतलब पानी में और जमीन दोनों पे रह सकता है वो। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे आइएगा, क्वेश्चन में पढ़ लिया, दिमाग को डालना चाहो आपको। अब चलिए, फाइंड अ वर्ड इन द पैसेज विच इज द अपोजिट ऑफ नियर, हमको नियर का अपोजिट खोजना है पैसेज के अकॉर्डिंग, हमको अपना ज्ञान नहीं दिखाना, पैसेज के अकॉर्डिंग नियर का अपोजिट क्या हो सकता है। कन्वीनियंट का मतलब होता है सुविधाजनक, अननोन का मतलब आपको मालूम है जिसको हम ना जानते हैं, क्लोज का मतलब नजदीक, और रिमोट का मतलब दूर, नियर नजदीक है, रिमोट दूर है मुझे लग रहा है, लेकिन पैसेज के अकॉर्डिंग हमें बात करनी होगी। फिलहाल नियर हमारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि हमें खोजना है पैसेज में। अगला क्वेश्चन है, फाइंड अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स द ओनर ऑफ अ बिजनेस, हमको पूरी पैसेज में एक ऐसा वर्ड मिलेगा जो हमें क्या बताएगा, द ओनर ऑफ बिजनेस, किसी बिजनेस के ओनर को क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर कहते हैं, बिजनेसमैन कहते हैं, एंटरप्रेन्योर कहते हैं, प्रोप्राइटर कहते हैं। अब ये 3 वर्ड तो बहुत कंफ्यूज करने वाले हैं हमको। कंस्ट्रक्टर का मतलब निर्माण करने वाला, भाई इससे तो हमारा जमीन हमने कोई बिल्डिंग बनाई है तो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, तमाम वर्ड आ सकते हैं, उसका लेना देना नहीं। हमारे सामने 3 कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, बिजनेसमैन भी कह सकते हैं, एंटरप्रेन्योर भी कह सकते हैं, युवा उद्यमी, साहसी उद्यमी जो साहस करता है उद्यम में, बिजनेस में जो बहुत बड़े रिस्की डिसीजन लेता है, और प्रोप्राइटर का मतलब भी मालिक होता है, बिजनेसमैन का मतलब भी मालिक होता है, ठीक है ना। ये 3 वर्ड आप लोग दिमाग में डालिएगा, आप कंफ्यूज हैं, आंसर निकालने के लिए हमें पैसेज पढ़नी होगी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, वो है द एडजेक्टिव यूज टू डिस्क्राइब द पोस्ट मास्टर लिविंग रूम इज, पोस्ट मास्टर इस पैसेज में कहीं आया होगा, पोस्ट मास्टर लिविंग रूम, पोस्ट मास्टर जिस कमरे में रहता है उस कमरे को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा एडजेक्टिव इस्तेमाल किया गया है। तो आपके सामने ब्राइट है, डार्क है, लाइट है, डीप, अब ये सब आपके दिमाग में रहना चाहिए बच्चों, ये हमारे चारों क्वेश्चन दिमाग में चलते रहने चाहिए। और अब हम पैसेज पढ़ेंगे, और पैसेज में जैसे ही हमारे अपने क्वेश्चन का कुछ ऐसा कुछ मिलता है, क्वेश्चन से जुड़े हुए कुछ वर्ड मिलते हैं, तो फटाफट ध्यान देते हैं। चलिए, द पोस्ट मास्टर फर्स्ट टुक अप हिज ड्यूटीज इन द विलेज ऑफ ओलापुर, पोस्ट मास्टर साहब, कोई पोस्ट मास्टर जानते होंगे ना, पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले, फर्स्ट टुक अप हिज ड्यूटीज, उन्होंने पहले अपनी ड्यूटीज ली, ड्यूटीज इन द विलेज ऑफ ओलापुर, ओलापुर नाम का एक गांव था, वहां पर उन्होंने अपनी ड्यूटी ज्वाइन किया। दो द विलेज वॉज अ स्मॉल वन, यद्यपि वो दो का मतलब मालूम है आप सबको ना, दो का मतलब यद्यपि होता है, द विलेज वॉज स्मॉल वन, गांव थोड़ा छोटा था, देर वॉज एन इंडिगो फैक्ट्री नियर बाय, लेकिन उस गांव के नजदीक एक इंडिगो फैक्ट्री थी, इंडिगो का मतलब क्या होता है, नील, नील जो आप अपने कपड़ों में लगाते हैं,
आपने कुछ व्हाइट कलर के कपड़े धुलते हैं तो नील लगाते हैं ना, नीले रंग का कुछ एक लिक्विड होता है, डाल के उसको आप घोल देते हैं तो आपका कपड़ा थोड़ा सा चमकने लगता है। इंडिगो फैक्ट्री समझ गए होंगे आप। नियर बाई एंड प्रोपाइटर एंड द प्रोपाइटर एन इंग्लिश मैन हैड मैनेज टू गेट अ पोस्ट ऑफिस स्टैब्लिश्ड। देखिए हमारे ढेर सारे क्वेश्चन का आंसर तो यही पड़ा हुआ है यार। स्मॉल वन, गांव छोटा था, देर वॉज एन इंडिगो फैक्ट्री, एक इंडिगो फैक्ट्री थी। अब जरा देखना बेटा, फैक्ट्री है, हमसे किसी क्वेश्चन ने फैक्ट्री के बारे में बोला है, किसी का बिजनेस हो तो क्या बोलते हैं बिजनेसमैन के, बिजनेस ओनर को, तो फैक्ट्री का नियर बाई एंड द प्रोपराइटर और जो उसका मालिक था, ठीक है ना, उसका जो मालिक था ना, प्रोपराइटर दे दिया ना। अब फैक्ट्री का जो मालिक है, अब हमको बिजनेस, किसी बिजनेस हाउस का जो मालिक होगा उसे हम प्रोपराइटर बोल सकते हैं ना, मिला हमको वर्ड, वो पूछ रहा था क्वेश्चन में। एन इंग्लिश मैन, जो एक अंग्रेज था, हैड मैनेज टू गेट अ पोस्ट ऑफिस स्टैब्लिश्ड, उसने एक पोस्ट ऑफिस वहां पर व्यवस्था करके स्टैब्लिश करवा लिया, उसको पोस्ट ऑफिस बनवा लिया था अपने गांव में, क्योंकि तो उसकी फैक्ट्री थी वहां पे। आवर पोस्ट मास्टर बिलोंग टू कैलकटा, और जो हमारे पोस्ट मास्टर साहब आए थे, भाई देखो पोस्ट ऑफिस तो अंग्रेज ने खुलवाया जो कि फैक्ट्री का मालिक था, इंडिगो फैक्ट्री का, लेकिन उस पोस्ट ऑफिस में जो पोस्ट मास्टर साहब आए बिलोंग टू कैलकटा, वो कैलकटा से बिलोंग करते थे। अब ये कैलकटा पुराना है, आजकल उसे कोलकाता कहते हैं, ठीक है ना। ढेर सारे आपके जो सिटीज हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, उनके नाम बदल चुके हैं। जैसे कलकत्ता को, कैलकटा को अब कोलकाता कहते हैं, क्यों, क्योंकि वो कोलीकाता नाम के गांव पर बसा हुआ है। 400 साल पहले कोलीकाता और सूतीकाता नाम का दो गांव था, उस पर अंग्रेजों ने एक शहर बसाया और उसको कोलकाता को उन्होंने कैलकटा बोल दिया, ठीक है ना। जैसे मद्रास का नाम चेन्नई कर दिया गया, वो पहले चेन्नई पट्टनम नाम का द्वीप था, ठीक है ना। बॉम्बे को मुंबई कर दिया, क्योंकि तो पहले वो मुंबा देवी, मुंबा देवी थी, उसे मुंबई कर दिया, ठीक है ना। ढेर सारे नाम बदले हैं बच्चों, ये एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैंने आपसे चर्चा की। एग्जाम जीके या जीएस में आपके क्वेश्चन आता है। गुड़गांवा को हमने गुरुग्राम कर दिया। अब आपने महाभारत में गुरु द्रोण का नाम सुना होगा, तो गुरु द्रोणाचार्य को वो दक्षिणा में मिला हुआ था, राजा जो उस समय के थे उन्होंने उनको वो गांव दिया था गुरु दक्षिणा में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो गुरुग्राम उसे कहा जाता, तो फिर से वही नाम पड़ गया उसका। ये अक्सर क्वेश्चन में आता रहता है, आप उसका ध्यान दीजिएगा। फिलहाल हमारा मतलब है इंग्लिश से, ही फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर इन दिस रिमोट विलेज। देखिए पोस्ट मास्टर जो था वो बिलोंग करता था कैलकटा से, ही फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। देख लो हमारे को, हमारी लाइक अ फिश आउट ऑफ वॉटर इन दिस रिमोट विलेज। अब भाई आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल होता ना, जब आप वो टीवी देखने बैठते हो ना, एलसीडी एलईडी कोई भी टीवी आपके घर पे होगा, तो आप रिमोट लेकर बैठते हो। कभी आपने ध्यान दिया ये रिमोट क्यों बोलते हो, रिमोट कंट्रोल ना, रिमोट। अब इसी बहाने से इस वर्ड को आप याद कर लेना कि आपके घर में रिमोट है टीवी का, और रिमोट कंट्रोल, बच्चों के खिलौने भी आते हैं रिमोट से करते हैं वो लोग, रिमोट सेंसिंग की पढ़ाई की जाती है। तो रिमोट का मतलब होता है दूर, ठीक है ना। आप दूर बैठकर टीवी चला लेते हो रिमोट से। तो किसी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नियर का अपोजिट क्या होगा, और आपको पैसेज पढ़कर आंसर करना था। पैसेज में रिमोट मिला कि नहीं मिला, आपको मिल गया आंसर आपको। चलो, ही फेल्ट लाइक फिश आउट ऑफ वाटर। अब कलकत्ता से आया हुआ आदमी जो पोस्ट मास्टर है हमारे गांव में आ गया, उसे हिंदी में बात करनी है, तो कलकत्ता की कल्चर अलग है, बंगाली है, उसका खान पान अलग, उसकी बोली भाषा अलग। वो यहाँ अकेले, वो बंगाली यहाँ हिंदी में आ गया। मान लीजिए आप यहाँ हिंदी बोलने वाले हो और आपको चेन्नई में जॉब मिल जाए, चेन्नई में हर कोई आदमी तमिल बोलता है, तो वहां आपको हिंदी बोलने वाला कोई मिलेगा नहीं, तो आप फिश आउट ऑफ वाटर फील करोगे। तो आपसे किसी क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है, ही फेल्ट लाइक फिश आउट ऑफ वाटर, ये भी हमें यहाँ मिल गया और रिमोट भी हमें मिल गया, ऑप्शन में दिया था ना। चलो, हिज ऑफिस एंड लिविंग रूम वर इन अ डार्क हैज सेट, हिज ऑफिस एंड लिविंग रूम, जरा देखना, पोस्ट मास्टर के लिविंग रूम को कौन सा एडजेक्टिव दिया है, क्वेश्चन याद आ रहा है आपको, क्वेश्चन याद करो जरा सा। पोस्ट मास्टर के लिविंग रूम को क्या बोला, डार्क थैज्ड सेड। अब थैज्ड, गांव के जो बच्चे होंगे जानते होंगे, तो छप्पर होता ना, छप्पर, छप्पर पे घास फूस को हम लादते हैं, एक बांस का बेड़ा लगा के घास या सरपत उसके ऊपर डालकर फिर उसको हम रस्सियों से बांध देते हैं,
लादना है ना किसी चीज पर, वो थैचिंग होती है। और कहा इधर सेड है, छायादार कुछ भी, डार्क लिखा हुआ भाई, ये एडजेक्टिव हमें मिल गया यहां से, हमने हमें उसके लिविंग रूम का एडजेक्टिव भी मिल गया। नॉट फार फ्रॉम ग्रीन, बहुत ज्यादा वो ग्रीन से बहुत ज्यादा अलग नहीं था। स्लिमी पॉन्ड, एक स्लिमी पॉन्ड उधर था, सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय अ डेंस ग्रोथ, और उसके इधर उधर ढेर सारे ग्रोथ, माने पेड़ों की डेंस ग्रोथ थी। द मैन एम्प्लॉयड इन द इंडिगो फैक्ट्री हैड नो लीजर, उस इंडिगो फैक्ट्री में जो भी लोग काम करते थे उनके पास कोई लीजर, कोई आराम का मौका नहीं था, आराम नहीं मिल पाता था उनको। मोर ओवर दे वर हार्डली डिजायरेबल कंपेनियंस फॉर डिसेंट फॉक, बल्कि वो लोग इस तरह का भाई जो वहां काम करते थे इतनी कम सैलरी में, इतना गंदे वातावरण में, इतने इतने वो एक्सप्लॉयड थे बेचारे, कि दे वर हार्डली डिजायरेबल कंपेनियंस, कि कोई बहुत मुश्किल से कोई इच्छा करता होगा उनके कंपेनियन का साथी बनना, फॉर डिसेंट फॉक, अच्छे इंसान के लिए, अच्छे लोगों के लिए, फॉक का मतलब लोग, अच्छे भले लोगों के लिए उनका साथ बड़ा अच्छा नहीं था, लोग उनको पसंद नहीं करते। नॉर इज कलकत्ता बॉय एन अडेप्ट इन दिस आर्ट ऑफ एसोसिएटिंग विद अदर्स, और ये जो कलकत्ता से आया हुआ लड़का था जो कि पोस्ट मास्टर बन के आया था, वो भी अडेप्ट नहीं था, मतलब अभी एडजस्ट नहीं था इन द आर्ट ऑफ एसोसिएटिंग विद अदर्स, दूसरों से जुड़ने में। वो तो कलकत्ता से आया था, यहाँ पे अकेलापन महसूस कर रहा है पोस्ट मास्टर जो कि लड़का है, और यहाँ के जो इंडिगो फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं वो इतने गंदे वातावरण में काम करते हैं, इतने लेबर जैसा कुछ रहते हैं वो, उनके साथ कोई जुड़ना नहीं चाहता। अमंग स्ट्रेंजर्स ही अपीयर्स आइदर प्राउड और इल एट ईज, और जो स्ट्रेंजर्स मतलब अजनबी लोग वहां आते थे भाई, इंडिगो फैक्ट्री के वर्कर से जुड़ नहीं पा रहा वो, उनके साथ बातचीत नहीं कर पा रहा था। जो अदर स्ट्रेंजर्स मतलब जो अजनबी लोग आया करते थे, ही अपीयर्स आइदर प्राउड और इल एट ईज, या तो बहुत उनके सामने बहुत प्राउड फील करता था भाई, वो उससे बहुत कम पैसे वाले, कम हैसियत के लोग होते थे, या इतनी अच्छी हैसियत की होते तो इल एट ईज, वो थोड़ा सा अपने आप को असहज पाता था। अगला है, एट एनी रेट द पोस्ट मास्टर हैड बट लिटिल कंपनी, पोस्ट मास्टर के पास बहुत छोटी कंपनी थी, बहुत कम लोगों का उसके पास आना जाना था, नॉट हैड ही मच टू डू, और इसलिए उसके पास बहुत कुछ करने को नहीं रहता, काम के अलावा कुछ ज्यादा करने को नहीं रहता। एट टाइम्स ही ट्राइड हिज हैंड एट राइटिंग अ वर्स आर टू, कभी कभी एट टाइम्स कभी कभी ही ट्राइड हिज हैंड, उसने अपना हाथ आजमाया राइटिंग अ वर्स, वर्स का मतलब होता है कविता, उसने कविता लिखने में अपना हाथ आजमाया, एक दो कविताएं लिखी उसने, दैट द मूवमेंट ऑफ द लीव्स एंड क्लाउड्स ऑफ द स्काई वर इनफ टू फिल लाइफ विद जॉय, दैट द मूवमेंट ऑफ द लीव्स, और जो वो लीव्स माने पत्तियां, क्लाउड का मतलब बादल, ऑफ द स्काई जो आसमान में बादल थे, वर इनफ टू फिल लाइफ विद जॉय, वो पर्याप्त थे उसके जीवन में खुशियां देने के लिए। सच वर द सेंटिमेंट्स टू विच ही सॉट टू गिव एक्सप्रेशन, और ऐसे एक्सप्रेशन को वो सेंटिमेंट्स, ये जो भाव होते ना लिखने वाले ने, कविता कहानी जो लिखते हैं उनके अंदर यही सब चीजें होती है, वो नेचर के आसपास चीजों को महसूस करते हैं, जैसे पेड़ पत्तियां कैसे मूव कर रही हैं और बादल कैसे चल रहे हैं, उनको इसमें ब्यूटी दिखाई देती है, वो बातें यहां कही जा रही है। सच वर द सेंटिमेंट्स विच ही सॉट टू गिव एक्सप्रेशन, ऐसे सेंटिमेंट्स, ऐसे भावनाओं को वो एक्सप्रेशन माने अपनी कविताओं में लिखने का प्रयास करता था, बताने का प्रयास करता था। बट गॉड नोज दैट दैट द पुअर फेलो वुड हैव फेल्ट इट, गॉड नोज, पता नहीं, दैट द पुअर फेलो वुड हैव फेल्ट, पुअर मतलब गरीब यहां नहीं बोलना है, पुअर मतलब वो बेचारा, फेलो वुड हैव फेल्ट, महसूस किया होगा इट एज द गिफ्ट ऑफ अ न्यू लाइफ, उसने इसे महसूस किया होगा कि नई लाइफ के गिफ्ट के रूप में, इट सम विद जैनी ऑफ द अरेबियन। अब जैनी का मतलब क्या होता है, तो बोतल में से जिन निकालते ना, जिन, वही जैनी लिखा हुआ। इफ सम विद जैनी ऑफ द अरेबियन नाइट्स हैड इन वन नाइट स्वेप्ट अवे विद अवे द ट्रीज लीव्स एंड ऑल एंड रिप्लेस देम विद मैग्नमाइज्ड रोड हाइडिंग द क्लाउड्स फ्रॉम व्यू विद रोज ऑफ टॉल हाउसेस, यहां डबल एल करना था भाई, कोई बात नहीं, चलो। अब उसे कहा जा रहा है कि उसको कैसा महसूस हो रहा होगा ये नई लाइफ, इफ सम विद जैनी ऑफ द अरेबियन, अगर काश उसके पास ऐसा कुछ होता अरेबियन नाइट्स में जैसे वो जिन हुआ करते थे, वैसे कुछ जिन होते तो वो हैड इन वन नाइट स्वेप्ट अवे, तो एक रात में ही वो सारे ट्रीज और लीव्स को स्वेप्ट कर देता एंड रिप्लेस, और वहां पर अच्छे अच्छे घर, अच्छी रोड और उन बादलों को छिपा देता।
ठीक है ना। चलिए अब हमने अपने सारे क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, पैसेज पूरी पढ़ ली बेटा, अब आंसर फटाफट आ जाएंगे। व्हाट डज द एडियम फिश आउट ऑफ वाटर मींस? इन अनफेमिलियर सराउंडिंग कैन डाई एनी मोमेंट ग्रास्पिंग टू ब्रीथ एम्फीबियन क्रिएचर। ना यहाँ प्राणी की बात की जा रही है, दोनों में पानी और जमीन दोनों पर रहने वाले की बात की नहीं जा रही है। ग्रास्पिंग फॉर ब्रीथ, सांस की कोई दिक्कत उस बेचारे को नहीं थी। कैन डाई एनी मोमेंट, कभी भी मर सकता। तो इस पैसेज में आया हुआ है बॉय, कलकत्ता का लड़का, अभी मरने वाला नहीं है। तीन के तीनों बकवास आंसर हैं आपके, ठीक है बेटा। एग्जामिनर ऐसे ही आपको कंफ्यूज करता है, तीन के तीनों बकवास हैं, आपको ये आंसर देना है। इन अनफैमिलियर सराउंडिंग, जब कभी भी हम लोग एक ऐसे वातावरण में होते हैं जो हमारे लिए अपरिचित हो, तो वहां बहुत असहज महसूस करते हैं, उसी को हम फिश आउट ऑफ वाटर कहते हैं। ये आपका आंसर है बेटा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। फाइंड अ वर्ड इन द पैसेज व्हिच इज द अपोजिट ऑफ नियर, जो नियर का अपोजिट हो बेटा। तो रिमोट है, नियर का मतलब नजदीक होता है, रिमोट का मतलब दूर होता है, वही अपोजिट है। बाकी कन्वीनियंट का मतलब सुविधाजनक होता है, अनोन मतलब अनजान, क्लोज का मतलब नजदीक। कर लिया ना हमने। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं हम लोग और फटाफट करते हैं। फाइंड अ, फाइंड अ वर्ड इन द पैसेज व्हिच मींस द ओनर ऑफ बिजनेस। अरे यार मैंने आप सबको दिखाया था, प्रोपाइटर बोलो ना उसको, इंडिगो फैक्ट्री ओनर को क्या बोला था? प्रोपाइटर। बिजनेस ओनर को क्या बोला? प्रोपाइटर। बाकी दो वर्ड्स हैं वो भी बिजनेस से जुड़े हुए हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है जो बहुत रिस्क लेकर बिजनेस स्टार्ट करता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, द एडजेक्टिव यूज्ड टू डिस्क्राइब द मोस्ट मॉडर्न लिविंग रूम। क्या बोला था मैंने आपको? दिखाया था डार्क बोला गया था। चलिए कर लिया, सारे बच्चों ने कर लिया होगा, हमारे 20 क्वेश्चन ही थे इंग्लिश में। चलिए ठीक है ना, आप सबने बहुत बढ़िया किया हुआ है। मैं लगातार आपके आंसर देख रहा था, आप सबने बहुत बढ़िया किया हुआ है। मेरे ख्याल से 14-15 तो सारे बच्चों ने आसानी से मार दिया। तो आप लोग ऐसे ही करते चलिए, साथ में प्रैक्टिस करिएगा, आपके पेपर अच्छे जाएंगे। आप लोग मेहनत भी करते रहिए, ठीक है ना। बाकी और जो मार्केट में पेपर्स हैं, चाहे लूशन के हों चाहे करतार के हों, प्रैक्टिस पेपर, वो सॉल्व करते रहिए। क्वेश्चन में कहीं डाउट आता है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, कहीं भी आप लोग क्वेश्चन को सेंड कर दिएगा, वो आंसर करेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले अगले पेपर में आप सबसे।